हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ आईट्रॉनिक सॉल्यूशंस, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कोटी कॉइन के बारे में, लेकिन कोटी के प्राइस को प्रेडिक्ट करने से पहले देखते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे एक कप पैटर्न जो है वो कंप्लीट कर रहा है और बहुत जल्दी यहाँ पे 67,000 को टच करने वाला है। सो बिटकॉइन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन 67,000 तक जा सकता है। अभी इसका जो प्राइस है वो 65,744 के राउंड है और यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है। अराउंड 65,000 से यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है और 65,000 से जाने के बाद ये वापस 67 तक भी जा सकता है। इनकेस अगर ये 67 को ब्रेक कर देता है देन जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है हमारा 70,000 तक हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे हम एक शॉर्ट रिकवरी देखने को मिल सकती है, एक शॉर्ट डिप देखने को मिल सकती है। अराउंड 63,000 के अराउंड बिटकॉइन जो है वापस जा सकता है और यहाँ पे हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो देखने को मिल सकता है। सो अभी के हिसाब से मतलब अगर आप किसी ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे चांसेस हैं कि जब तक बिटकॉइन 67,000 तक नहीं जाता तब तक ऑल्ट कॉइन के बढ़ने के चांसेस हैं। सो अब बात करेंगे यहाँ पे कोटी कॉइन के बारे में। कोटी का अगर हम बात करें तो कोटी यहाँ पे बहुत देर से डाउन चल रहा है, काफ़ी टाइम से यहाँ पे कंटिन्यूसली वो नीचे डिसेंडिंग वे में यहाँ पे मूव कर रहा है और यहाँ पे अब वो अपने इस एक बॉटम लाइन के ऊपर पहुँच चुका है। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है यहाँ से, या यहाँ से ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है। सो इन केस अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो वहाँ पे चांसेस जो हैं वो चांसेस हैं अराउंड पहला 51 के ऊपर सपोर्ट है, उसके बाद 4715 टू 4600 के बीच बीच में हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रही है कि यहाँ से वापस ये पुल बैक कर सकता है। और अगर वर्स्ट केस की बात करें देन कोटी जो है वो 0.4250 के अराउंड यहाँ तक मूव कर सकता है। सो अब बात करेंगे यहाँ पे बाकी के सिग्नल्स क्या हमें सजेस्ट करते हैं कि अभी कोटी को बाय करना चाहिए या अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें, ईएमए की बात करें, तो ईएमए हमें क्या सजेस्ट करता है सबसे पहले वो देखते हैं, उसके बाद बाकी के इंडिकेटर्स को यूज़ करेंगे देन चेक करेंगे। तो अगर 4 आवर चार्ट के ऊपर देखें तो ईएमए ने यहाँ पे परफेक्ट एक बाय सिग्नल दिया है, लेकिन अगर ये कैंडल 4 आवर चार्ट की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है, रेड लाइन के नीचे क्लोज होती है, देन वहाँ पे हमारे पास एक बियरिश सिग्नल जो है वो मिल जाएगा। जैसे कि लास्ट टाइम अगर आप ये इस कैंडल को देखते हैं कि जैसे ये कैंडल के नीचे क्लोज हुई तो वहाँ पे वो रेड लाइन से उसने सपोर्ट ली, मतलब अपनी 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ली, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर से कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद बहुत ही बियरिश ट्रेंड हमारे पास यहाँ पे देखने को मिला और बहुत नीचे की तरफ यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला। तो सेम वे जैसे जैसे इनको क्रॉस करता है तो यहाँ पे बुलिश सिग्नल आता है, लेकिन जैसे नीचे की तरफ क्लोज होती है, क्लोज होने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, जैसे उसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे बुलिश सिग्नल मिल गया था। अब यहाँ पे फिर से अगर हम बात करें तो 4 आवर चार्ट के ऊपर अभी करंटली अभी भी ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, या ये हमें एक सिग्नल दे रही है कि मार्केट जो है वो बहुत नीचे की तरफ जाने वाली है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ ही बचती हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हम साथ में लेके चलेंगे। और दूसरा, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है, अभी देखो ये अपनी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे इसका प्राइस आ चुका है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्राइस जो है वो नीचे आ चुका है और ये अभी 530 की जो कैंडल बनेगी वहाँ पे पता चलेगा कि एग्जैक्ट नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। तब तक हम यहाँ पे इसको होल्ड करके रख सकते हैं जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक नहीं करता। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हमें कोटी का जो प्राइस है वो अराउंड 5100 के अराउंड देखने को मिल सकता है, मतलब उस टाइम पे कोटी जो है वो कितने परसेंट डाउन हमें देखने को मिल सकता है, अराउंड 4% कोटी का प्राइस डाउन देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सीधा कोटी हमें 11% डाउन देखने को मिल सकता है। सो अगर आपको 11% तक डाउन देखने को मिलता है कोटी, देन आप इसको बाय कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से ये काफ़ी जल्दी रिकवरी जो है वो कर सकता है। लेकिन अगर वही चीज़ हम डे चार्ट के ऊपर बात करें, सो डे चार्ट के ऊपर जो हम ईएमए जो हमें बता रही है कि कोटी का जो प्राइस है वो अराउंड 5100 के अराउंड आ सकता है क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो ले सकता है। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है वो 5073 के अराउंड बन रही है, वही हम 5100 तक लेके चलते हैं। तो अगर 5100 के अराउंड आपको देखने को मिलता है देन आप डेफिनेटली कोटी को बाय कीजिए, ये आपको एक अच्छी खासी जो प्रॉफिट है वो दे सकता है। अगर वर्स्ट केस की बात करें तो कोटी का जो प्राइस है वो हमें 34% तक डाउन देखने को भी मिल सकता है, इन केस जैसे कि लास्ट टाइम बिटकॉइन जब क्रैश किया था अगर वैसे ही क्रैश किया तो हमें यहाँ पे कोटी का प्राइस देखने को मिल सकता है। सो इसको थोड़ा और
डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, अभी तो हम डे चार्ट के ऊपर हैं। इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो अगर हम 15 मिनट चार्ट के ऊपर चले, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे हमें कौन से सिग्नल मिल रहे हैं, हमें बाय के सिग्नल मिल रहे हैं या सेल के सिग्नल मिल रहे हैं। सो 15 मिनट चार्ट के ऊपर हमारी जो EMA है वहाँ पर हमें सेल का सिग्नल दे दिया था, और वो सेल का सिग्नल हमें जो मिला था वो हमें यहाँ पे अराउंड मिल गया था। तो ये हमारा सेल का सिग्नल यहाँ पे मिल गया था, क्योंकि जब 200 मूविंग एवरेज जब ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है 15 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, यहाँ से हमें सेल का सिग्नल मिल जाता है। और ये सेल का सिग्नल तब तक बना रहेगा जब तक हमें ये 50 मूविंग एवरेज इसको क्रॉस नहीं कर देती नीचे से ऊपर की तरफ और ये नीचे नहीं आ जाता, तब तक हम यहाँ पे इसको सेल के सिग्नल को ही एंज्यूम करके रखेंगे। तो अभी तक हमारे पास कोई भी बाय का सिग्नल यहाँ पे नहीं मिल रहा 15 मिनट चार्ट के ऊपर भी। पिछले हमें जो सेल का सिग्नल मिला था अराउंड 2nd of November को कोटी ने सेल का सिग्नल दे दिया था, और तब से अभी तक सेल का सिग्नल ही जनरेट हुआ हुआ है। तो तब तक हम यहाँ पर इसको बाय नहीं करेंगे जब तक हमें एक बाय का सिग्नल जनरेट नहीं होता। सो इन केस अगर हमें लो पे मिल जाता है अराउंड 5100 के अराउंड, तब हम इसको बाय कर सकते हैं। और इसके नीचे जो सपोर्ट मैंने बताई है अराउंड 4715 या 4600 पे भी मिलता है, तब भी कोटी को बाय करने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर डाउन चल रहा है, और जब मार्केट रिकवर करना स्टार्ट करेगी तब ये सबसे पहले जो है ये रिकवरी कर सकता है। और अगर बाकी के इंडिकेटर्स की बात करें, अगर RSI वगैरह की बात करें, उसको भी चेक करेंगे कि RSI हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, कि अभी हमें इसके ऊपर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पे RSI को सिलेक्ट करेंगे। फ्री के ऊपर हम मैक्सिमम 3 इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसमें आप मोर देन 3 इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं EMA को हटा रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हम RSI को यूज़ करेंगे, उस स्ट्रैटेजी को चेक करेंगे कि वो स्ट्रैटेजी हमें क्या बता रही है, कि हमें यहाँ पे इसको बाय करना चाहिए या इसको सेल करना चाहिए, उस चीज़ को भी यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो अभी RSI का चार्ट भी अगर देखें तो RSI अराउंड 37-38 के अराउंड आपको देखने को मिल रही है, जो कि हमें 4 आवर चार्ट के ऊपर बहुत लो देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हमें क्विक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है इनकेस अगर कोटी 4 आवर चार्ट के ऊपर कुछ इस तरह से अगर पैटर्न को बनाता है, देन यहाँ पे RSI के अंदर भी हमें सेम ऐसा ही ग्राफ देखने को मिल सकता है। और उस टाइम पे अगर ये कोटी हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, देन हम 28% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोटी से। तो अगर आपको भी करंट पोजीशन पे बाय करना है तो आप कुछ 5-10% के ऊपर रिस्क जो है वो ले सकते हैं, बाकी का जो रिस्क है वो आपको यहाँ पे डाउन जब तक नहीं आता तब तक आपको यहाँ पे बाय नहीं करना। अराउंड 4600 पे नहीं मिलता उससे पहले आपको कोटी जो है वो बाय नहीं करना है। तो RSI भी हमें ये बता रहा है कि अभी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी बाइंग होने वाली है, क्योंकि अराउंड 40-34 के अराउंड जब RSI आता है तो वहाँ से अगर हम पिछले मंथ की बात करें तो 40 पे जैसे ही आता है, 40 पे आने के बाद जो यहाँ पे कोटी के ऊपर हमें एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है। सो 40 जो है वो यहाँ पर एक अच्छी RSI है यहाँ पर इसको बाय करने के लिए कोटी को। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोटी प्राइस प्रेडिक्शन वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी और क्वाइन या टोकन के बारे में जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आपको DM कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट की और ऐसी प्राइस प्रेडिक्शन वीडियो के साथ। थैंक यू।